अल्हम्दुलिल्लाह कुरान साबित कर चुका है कि अल्लाह की किताब है, क्योंकि सारे जहां में सबसे बेहतरीन मौजूदा है कुरान शरीफ। लानत है वो लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की किताब है खुद लिख के। लानत है वो, बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में जेनेसिस में चैप्टर नंबर 3 में कि सांप रेती खाता है। अच्छा। हम जानते हैं सांप रेती नहीं खाता है, नहीं खाता ऐसे। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज, आज जिस वीडियो में हम रिएक्शन कर रहे हैं उसका नाम है प्रूफ मी हाउ कुरान इज राइट एंड अदर रिलीजियस बुक आर रॉन्ग। आप मुझे साबित करके दिखाइए कि सिर्फ और सिर्फ कुरान ही सही है, बाकी धर्मों की सब किताबें गलत हैं। किसी हिंदू भाई ने सवाल किया है डॉक्टर जाकिर नायक साहब से, फिर उन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, विस्तार करके अच्छे से बताया। देख लेते हैं क्या सब है वीडियो के अंदर, वीडियो इंटरेस्टिंग है इसीलिए आप इसको एंड तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपका ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स प्ले। ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि हम जानते हैं कि कुरान शरीफ में जिक्र है, क्या कुरान के अलावा और भी अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की? हमें यकीन है कुरान और हदीस पे, गैर मुसलमान को यकीन है, किस तरीके से हम उन्हें बता सकते कि हमारी किताब सही है उनकी गलत है? सही बात है। हर दौर में, हर ज़माने में कुछ चीज़ साबित करने के लिए एक दौर होता है। मिसाल के तौर पे पहले दौर था मौजज़ा का। अच्छा, करामात, मौजज़ा, चमत्कार। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान साबित कर चुका है कि अल्लाह की किताब है, क्योंकि सारे जहां में सबसे बेहतरीन मौजज़ा है कुरान शरीफ। उसके बाद दौर आया लिटरेचर एंड पोइट्री का, उर्दू में क्या कहते हैं, लिटरेचर एंड पोइट्री, शेर शायरी का दौर। उस टाइम ऊंचाई पे थे जब कुरान नाजिल हुआ, उस टाइम अरब सबसे ऊंचाई पे थे अरबी जबान में, जबान का दौर था शेर और शायरी का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों जो भी अरबी जानते वो तस्लीम करते कि कुरान मजीद सारे दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है अरबी जबान। अच्छा, सही बात है। लेकिन आज शेर शायरी का दौर नहीं है। अगर मैं कहूँगा शेर शायरी के ज़बान में कि दुनिया चपटी है, क्या आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आज शेर शायरी का दौर नहीं है। आज दौर है साइंस और टेक्नोलॉजी का। तो अगर हम ये साइंस और टेक्नोलॉजी कंपेयर करेंगे कुरान और बाकी मज़हब की किताबों से, तो पता चलेगा कौन सी किताब हक है और कौन सी बातिल है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, अजलन किताब में हर दौर में अल्लाह ताला ने एक किताब नाजिल की, हर दौर में एक किताब नाजिल की। नाम से हमें चार किताब का इल्म है, तौरा, जबूर, इंजील और कुरान। लेकिन इसके अलावा कई किताबें नाजिल की गई थी। लेकिन अल्लाह ताला ये भी फरमाता है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबून अल-किताब बियदीहिम सुम्मा यकुलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला फवैलुल लहुम मिम्मा कदबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। लानत है वो लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की किताब है खुद लिख के। लानत है वो लोग पे जो लिखते हैं, लानत है उन पे जो कमाते हैं, और इन सब पे लानत है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की किताब है। अल्लाह ताला ये भी फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हैं। कोई भी कहता है कि अल्लाह की किताब है तो आप उनसे कहिए कुल हातु बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हैं। सही बात है। तो आप अगर कंपेयर करेंगे कुरान मजीद और साइंस को, आज साइंस का दौर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में एक भी आयत ऐसी नहीं मिलेंगे आपको जो एस्टैब्लिश साइंस को टकराती है। मैं साइंस से कुरान मजीद को साबित नहीं करना चाहता हूँ, कुरान मजीद साइंस से और ऊपर है। कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं, SCIENS, बट साइंस की किताब है, SIGNS आयतों की किताब है। और कुरान मजीद में 6000 आयत है, साइंस है, वर्सेस है, इनमें से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में अच्छा जिक्र करती हैं। लेकिन अगर हम कुरान मजीद साइंस को, जो लोगों की यार्डस्टिक है, उनका यार्डस्टिक है, उनकी तोलने की चीज़ है, अगर हम कुरान मजीद हमारी यार्डस्टिक, हमारा मयार से देखेंगे, तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी आयत
साइंस से नहीं टकराती, एस्टैब्लिश साइंस से। लेकिन ये अगर आप बाइबल से मिलाएंगे, हमें पता है कि इंजील अल्लाह का कलाम था, लेकिन ये बाइबल अभी मिलावट हो चुकी है। अल्लाह का कलाम भी उसमें मौजूद है, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम जो कहते वो भी मौजूद है, जो तारीख लिखने वाले लोग लिखते हैं वो भी मौजूद है, इसके अंदर गलतियाँ भी मौजूद है, इसके अंदर बेहुदा चीज़ें भी मौजूद है। हम कहते ये पूरी अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे बाइबल, बाइबल में ये लिखा है गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में, और गॉस्पल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 4, क्या दुनिया चपटी है? हम जानते हैं दुनिया चपटी नहीं है। बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि चांद की रोशनी खुद की है, ये हम जानते हैं बिल्कुल गलत है। जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, अच्छा चांद की खुद की रोशनी नहीं है, 17, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने तारे बनाए सारे फलक में ताकि वो धरती को रोशनी दे सके। अच्छा, हम ये जानते हैं कि आज फलक के अंदर करोड़ों करोड़ों गैलेक्सीज है, हर गैलेक्सी में करोड़ों सितारे हैं। हम सिर्फ हमारे गैलेक्सी के अलावा 2 गैलेक्सी के तारे को देख सकते हैं, अने 3 गैलेक्सी से ज्यादा तारे की रोशनियां पूछती नहीं। बताओ, तो ये कहना कि अल्लाह ताला ने सारे फलक में तारे बनाए ताकि वो धरती पे रोशनी दे सके, बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, साइंस के खिलाफ है। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में जेनेसिस में चैप्टर नंबर 3 में कि सांप रेती खाता है। अच्छा। हम जानते सांप रेती नहीं खाता है, नहीं खाता। ऐसे कई चीजें लिखी गई बाइबल में, आप मेरी वीडियो कैसेट देख सकते हैं जो मेरा मुनाजरा हुआ था एक अमेरिकन के साथ, डॉक्टर विलियम कैम्बिल, और उसका मौजू था कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में। और उसके अंदर कम से कम 38, वक्त बहुत कम था, 38 साइंटिफिक गलतियां मैंने बाइबल में निकाली, और डॉक्टर विलियम कैम्बिल एक भी गलती का जवाब नहीं दे सके। इसी तरीके से डॉक्टर विलियम कैम्बिल ने भी तो कुरान में 29 गलतियां निकाली हैं। पढ़ेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद बोला है, ये उसमें लिखा है दुनिया चपटी है। यजुर्वेद में ये लिखा है कि सूरज हमारे धरती के गोल चक्कर लगाता है। ये पुराने लोग सोचते थे कि सूरज धरती के गोल जाता है। तो इस तरीके से अगर हम साइंस का मुताला करेंगे बाकी किताबों से, सिर्फ एक ही किताब जो सफल होंगी और साइंस के ऊंचे, कुरान मजीद साइंस से काफी ऊंची है, तो इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ एक सही किताब है और बाकी मजहबों की किताब के अंदर मिलावट। अच्छा, तभी तो गाइज ये वीडियो थी भाई, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था पूरा का पूरा, जिसके अंदर डॉक्टर जाकिर साहब ने बताया, डॉक्टर जाकिर नायक ने, कि डॉक्टर विलियम करके उनके साथ उनकी वो हुई थी, बहस हुई थी, आर्ग्यूमेंट या तर्क वितर्क जो बोल सकते हैं आपस में, जिसको लेके के बाइबल के अंदर डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने 38 मिस्टेक्स निकाली थी भाई, लेकिन कुरान को उन्होंने बोला है कि कुरान में कोई भी गलती नहीं है, बाकी धर्मों की किताबों में कुछ ना कुछ छोटी मोटी कुछ ना कुछ मिलावट है, लोग अपने मन से लिख लेते हैं चीज़ें, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें लिख लेते हैं। ये तो ये हो गई वीडियो। अभी रिसेंटली डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर उन्होंने खुद बोला था कि मेरा जो सबसे बड़ी बहस विलियम के साथ हुई थी, डॉक्टर विलियम करके एक बाहर के बंदे हैं फॉरेन कंट्री से, उन्होंने कुरान में 29 मिस्टेक्स निकाली थी। तो आप लोग जरूर बताइए कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, आप लोग अपने विचार कमेंट में जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट शो किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।